चैप्टर 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का इवेल्युएट द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पेज नंबर 187 से एनसीईआरटी। सो इसकी वैल्यू भी हम इवेल्युएट करते हैं। देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या आती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 10 और कॉट 45 की सेम वैल्यू होती है यानी कि 1। और कॉसिक 60 की बात करें सो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। अगेन आप देखना sec 30 की वैल्यू 2/√3, cos 30 की वैल्यू √3/2, अगेन आप cos 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है, cos 60 की वैल्यू sin 30 के बराबर होती है सो 1/2। अगेन हमने अभी जस्ट बताया था tan और cot 45 की वैल्यू सेम होती है। अभी हम इसका क्या करेंगे, LCM लेंगे। पहले हम 2√3 LCM ले लिया इसका, अभी यहाँ क्या आ जाएगा हमारा √3 यहाँ आ जाएगा प्लस 2√3 अगेन यहाँ पे आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय यहाँ भी सेम 2√3 यहाँ पे देख लो आप 4+√3 और यहाँ +2√3 ये और ये दोनों क्या हो रहा है आपका कट हुआ कैंसिल हो गया। अभी आप यहाँ देखो यहाँ 3√3 -4 और यहाँ पे आपका आ जाता है 3√3+4। अब हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले के हमने क्वेश्चन में आपको बताया था सेम चीज़ का केवल यहाँ पे जो साइन होता है हम चेंज करते हैं 3√3 -4 एंड 3√3 -4 सो आपका आ जाएगा 3√3 -4 होल स्क्वायर एंड 3√3² - 4 होल स्क्वायर। कौन से फार्मूला हमने अप्लाई किया, a+b a - b = a² - b². क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखना 27 - 24√3+16 डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा आपका 27 - 16 सो यहाँ आप देख लो 43 - 24√3 डिवाइडेड बाय 11 सो दिस इज योर आंसर। ओके इसी तरह क्वेश्चन हम 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस 10² 45 डिवाइडेड बाई sin² 30 प्लस cos² 30। सो यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2² प्लस 4 sec 30 की वैल्यू होती है cos 30 की वैल्यू √3/2 सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। आप देख लो यहाँ स्क्वायर है, हमने स्क्वायर पुट किया माइनस 10 45 की 1 होती है वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos की वैल्यू पुट करने से अच्छा है कि हम इसकी आपको पता है sin² θ + cos² θ = क्या होता है 1 होता है सो सेम थीटा क्या है आपका 30 है सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। 5 1/4 + 4 × 4/3 - 1 अभी आप क्या करना है यहाँ पे एलसीएम ले लो आप 12 15 + 64 16 4 = 64 - 12 अगेन आप देखना 67/12 दिस इज योर आंसर। ओके